दोस्तों आज की मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर और एक्शन से भरी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। मूवी का नाम है कॉन्ग स्कल आइलैंड, जो 2017 में रिलीज हुई थी। और खास बात यह है कि ये मूवी गॉडजिला मूवी से जुड़ी हुई है, इसलिए इस मूवी की स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ आने वाली है। स्टोरी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मूवी की स्टोरी को वर्ल्ड वॉर टू के समय से दिखाया जाता है, जहां पर दो जहाज आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी दोनों जहाज एक दूसरे से टकराने की वजह से एक अनजान आइलैंड पर क्रैश हो जाते हैं। दोनों जहाजों के पायलट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों लड़ते हुए आइलैंड की एक चोटी पर पहुंच जाते हैं, तभी एक पहाड़ जितना बड़ा गोरिल्ला उन दोनों के पास आ जाता है। उसके तुरंत बाद टाइम स्किप किया जाता है और उससे पहले वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि लड़ाई के तुरंत बाद ही दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया गया है, जिसके जरिए पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं और उनके जरिए अनजान जगहों के बारे में इंसानों को पता चल रहा है। उसके बाद कहानी को 1973 में दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर रेंडा नाम का एक आदमी अपने असिस्टेंट के साथ व्हाइट हाउस में एक आइलैंड पर जाने की मंजूरी के लिए आता है। मिस्टर रेंडा एक मोनार्क नाम की एजेंसी को चलाता है, जो नई नई जगहों को खोज करती है। रेंडा सर्नेटर नाम के अध्यक्ष से इजाजत के लिए मीटिंग करता है। रेंडा सर्नेटर को बताता है कि साउथ स्पेक ओशन में हमें सैटेलाइट इमेज से एक आइलैंड के बारे में पता चला है। रेंडा कहता है कि ये आइलैंड बहुत ही विचित्र आइलैंड है, क्योंकि इसके चारों तरफ तूफान हमेशा ही रहता है, जिससे कि इंसानों से अब तक छपा हुआ है। रेंडा इस आइलैंड को स्कल आइलैंड बताता है। सर्नेटर रेंडा को परमिशन दे देता है, साथ एक सेना की टुकड़ी और जहाज भी दे देता है। तभी वियतनाम से एक सेना की टुकड़ी लौट रही होती है, जिसका कर्नल बेकर होता है। तभी कर्नल बेकर को एक फोन आता है सर्नेटर का। सर्नेटर कर्नल को आदेश देता है कि तुम कुछ वैज्ञानिकों और रेंडा की मदद के लिए उनके साथ जाओ और अपनी सैनिकों की कुछ टुकड़ी और जहाजों को भी उनके साथ ले जाओ उनकी मदद के लिए। रेंडा उस आइलैंड पर जाने से पहले अपनी टीम तैयार करता है, जिसमें सबसे पहले मिस्टर कॉन्ग्रेड, जो कि एक ट्रैकर होता है और कई सारे जंगलों में वह जा चुका है पहले से, इसलिए वो उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त आदमी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले रेंडा उसे पैसों का लालच देता है और अपने साथ तैयार कर लेता है चलने के लिए। आइलैंड पर जाने के लिए मेसन बीवर नाम की एक फोटोग्राफर भी तैयार हो जाती है, क्योंकि बीवर उस आइलैंड के बारे में जानना चाहती है और अपनी मैगजीन के लिए फोटो लेना चाहती है। ये सभी बैंकॉक से जहाज में स्कल आइलैंड की ओर निकलते हैं। तभी जहाज में एक मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में सैनिक और कमांडर के साथ रेंडा के वैज्ञानिक भी होते हैं। इस पूरे ऑपरेशन का फील्ड सुपरवाइजर विक्टर होता है। मीटिंग में रेंडा का जियोलॉजिस्ट मिस्टर ब्रूक बताता है कि हम इस आइलैंड पर बॉम्ब गिराएंगे, जिनसे हमें वाइब्रेशन के जरिए आइलैंड के बारे में पता चलेगा कि यह कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है। वहीं उस मीटिंग में सेना की तरफ से मिस्टर जैक चैपन बताता है कि आइलैंड पर पहुंचते ही हमारा संपर्क बाहर की दुनिया से टूट जाएगा, इसलिए वहां से निकलने के लिए आइलैंड के नॉर्थ की ओर 3 दिन बाद रिफ्यूलिंग टीम आएगी, इसलिए सभी 3 दिन से पहले नॉर्थ की तरफ पहुंच जाए, नहीं तो वहां से निकल नहीं पाओगे। मीटिंग खत्म हो जाती है। जब जहाज आइलैंड के पास पहुंच जाता है, तब उसके आसपास काफी तूफान होता है। कर्नल बेकर अपने जहाजों में वैज्ञानिकों को बैठाकर आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। जब सभी आइलैंड के ऊपर होते हैं, तब सभी लोग आइलैंड की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। रेंडा जियोलॉजिस्ट को बम गिराने को कह देता है, जिससे कि आइलैंड की अप सकें। तभी बम के धमाके से आइलैंड के कई सारे जानवर मारे जाते हैं। जियोलॉजिस्ट बताता है कि ये आइलैंड पूरी तरह से खोखला है, बम की वजह से आइलैंड में छेद हो जाते हैं। तभी एक बड़ा सा गोरिल्ला, जो कॉन्ग होता है, वो जहाजों को तबाह करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके सारे जहाजों को वो क्रैश करा देता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं। वो कॉन्ग पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिससे कॉन्ग और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो लोगों को मारना शुरू कर देता है और कर्नल बेकर के कई जवान मारे जाते हैं, जिससे कर्नल बेकर कॉन्ग को मारना चाहता है। जब कॉन्ग चला जाता है तो सभी लोग 2 टीमों में बट जाते हैं। कर्नल के साथ उसके साथ सिपाही और रेंडा ही बचते हैं। दूसरी टीम में कॉन्ग्रेड, जो कि एक ट्रैकर है, उसके साथ फोटोग्राफर, एक सिपाही और एक वैज्ञानिक होते हैं। कॉन्ग्रेड कहता है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है जो नॉर्थ की ओर जाती है, हम उसके किनारे चलते हुए नॉर्थ पहुँचेंगे, जहाँ 3 दिन बाद हमारे जहाज
आ जाएंगे हमें बचाने के लिए। वहीं चैपन नाम का एक सिपाही दोनों ही टीम से दूर अलग होता है क्योंकि उसका जहाज ईस्ट की एक बड़ी सी चोटी पर गिर जाता है। उसमें बहुत सारा गोला बारूद होता है। कर्नल जब उससे संपर्क करता है तो वह कहता है कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं और हम कोंग से अपना बदला जरूर लेंगे। कैप्टन रेंडा से कहता है तुम इस आइलैंड के बारे में पहले से जानते थे, तुमने जानबूझकर बम गिरवाए, मुझे सब कुछ बताओ। रेंडा कहता है लूथन शिप के बारे में तुम्हें तो पता ही है कर्नल, उसमें 1000 से भी ज्यादा लोग थे जो कि सारे के सारे मारे गए, जबकि वो जहाज खोया नहीं था, उसे एक राक्षस ने खत्म कर दिया था। मैं एक इकलौता आदमी था जो उस जहाज, तब किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज इस आइलैंड पर आकर यह पता चल गया कि राक्षस असल में है। वहीं कांग्रेट की टीम को नदी के किनारे जाते समय एक बड़ा सा बुल दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा शांत होता है, वो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इससे पता चलता है कि इस आइलैंड पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल कहता है मैं उस कोंग से अपने एक एक सिपाही का बदला लूंगा। जब कर्नल और उसकी टीम एक बेम्बू के इलाके से गुजर रही होती है तभी एक सिपाही को एक बड़ा सा मकड़ी मार देता है। उस मकड़ी को देखकर कर्नल उस पर गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। वो सभी उस पर गोलियां चलाते हैं और उस मकड़ी को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रैकर की टीम एक खंडर में पहुंचती है जहां उन्हें उस जंगल के आदिवासी घेर लेते हैं, तभी एक इंसान उन्हें बचाता है। ट्रैकर और उसकी टीम उसे देखकर चौंक जाती है। वो बताता है कि मेरा नाम हैक मार्लो है, मैं एयरफोर्स का एक कैप्टन हूँ और मैं वर्ल्ड वॉर 2 के समय से यहाँ पर हूँ। हैक को 20 साल हो गए थे उस आइलैंड पर। हैक बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे लगता है कि वो द्वारा से इंसानों की दुनिया में पहुँच जाएगा। हैक आदिवासियों की भाषा जानता था इसलिए वो आदिवासियों को समझा देता है। वो सभी कुछ समय के लिए वहीं रुकते हैं। वहीं चैपन अकेला होता है। वो जब पानी पीने नदी पर आता है तभी कोंग को नदी में आते देखता है और वो छिप जाता है। चैपन देखता है कि कोंग के काफी चोट लगी होती है, वो पानी से अपनी चोट को धोता है। तभी कोंग को एक बड़ा ऑक्टोपस जकड़ लेता है लेकिन कोंग उसे मारकर खा जाता है। चैपन काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं हैक आदिवासियों के बारे में उन्हें बताता है कि कोंग तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो इस आइलैंड का राजा है, वो इसका घर है। कोंग इन आदिवासियों को बचाता है। ट्रैकर पूछता है किससे बचाता है। हैक बताता है कि इस आइलैंड के नीचे खतरनाक राक्षस रहते हैं जिन्हें मैं छिपकली कहता हूँ, उन्होंने कोंग के पूरे परिवार को मार दिया था, कोंग ही अकेला बचा है, वो इस आइलैंड के जानवरों को उनसे बचा रहा है, लेकिन बम की वजह से छिपकली बाहर आ गई, इसकी वजह से कोंग ने गुस्से में तुम्हें मारने की कोशिश की। हैक बताता है कि अभी तो छोटी सी छिपकलियां ही निकली हैं लेकिन सबसे बड़ी वाली अभी भी आइलैंड के नीचे है। ट्रैकर हैक को बताता है कि हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। हैक कहता है तुम 3 दिनों में पैदल वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। हैक अपनी बोट उन्हें दिखाता है जो उसने जहाजों के मलबे से बनाई हुई होती है। तभी मेसन बीवर को एक आवाज़ सुनाई देती है, वो एक बुल की होती है जो जहाज के मलबे से दबा होता है। मेसन उसे बचाने की कोशिश करती है तभी कोंग वहाँ आकर के उसे बचाता है, लेकिन कोंग मेसन को कुछ नहीं कहता है क्योंकि मेसन जानवर की रक्षा कर रही थी। अगली सुबह उनके पास सिर्फ 48 घंटे होते हैं नॉर्थ की ओर पहुंचने के लिए। वहीं चैपन भी कर्नल की ओर निकल जाता है। जब वो एक लकड़ी पर बैठकर आराम कर रहा होता है तभी एक छिपकली उसे खा जाती है। कर्नल अभी भी उसे बचाने के लिए उसकी ओर ईस्ट की ओर जा रहा है। वहीं उस रात ट्रैकर और उसकी टीम आदिवासियों के साथ उस रात बिताते हैं। अगली सुबह निकलने से पहले हैक उस योद्धा के बारे में बताता है जो इस आइलैंड पर हैक के साथ गिरा था। वो बताता है कि वो अब मर चुका है और उसे श्रद्धांजलि देकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब बोट से वो सभी नॉर्थ की ओर जा रहे होते हैं तभी एक पंछी एक सिपाही को ऊपर से लेकर चला जाता है और वो सभी उस सिपाही को पूरी तरह से खा जाते हैं। उसके बाद कर्नल उनसे रेडियो पर बात करता है और कहता है कि हमें अपनी लोकेशन बता रहा हूँ और वहाँ से वो फ्लेयर चलाता है। तभी ट्रैकर को वह फ्लेयर दिख जाती है और वो सभी कर्नल के पास पहुँच जाते हैं। अब दोनों टीम आपस में फिर से मिल गई है और वो सभी चैपन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वो सभी एक घाटी की ओर पहुँचते हैं जो हड्डियों से भरी हुई होती है। तभी हैक बताता है कि ये सभी हड्डियाँ कोंग के परिवार की हैं। कर्नल कहता है कि चैपन का जहाज इस घाटी के पार गिरा इसलिए हमें इस घाटी को पार करना होगा। तभी जब ये सभी घाटी में होते हैं तभी एक छिपकली वहाँ आ जाती है, वो चैपन की हड्डियों को उगल देती है। जब ट्रैकर को चैपन की हड्डियों में उसका
ताबीज मिलता है तो वो समझ जाता है कि चैपन अब नहीं रहा है। छिपकली घाटी में रेंडा और एक और आदमी को खा जाती है। वो सभी छिपकली से बचने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और उस छिपकली को मार देते हैं। ट्रैकर सभी को बताता है कि चैपन मर चुका है, फिर भी कलनर नहीं मानता है। वो कहता है मुझे गोला और बारूद चाहिए जिससे कि मैं कॉन्ग को मार सकूंगा। ट्रैकर और बाकी लोग कर्नल से मना करते हैं कॉन्ग को मारने के लिए, लेकिन कर्नल नहीं मानता है। तब ट्रैकर और सभी को लेकर बोट की ओर चल देता है। कर्नल अपने सिपाहियों के साथ बारूद की तरफ चल देता है। ट्रैकर और सभी भटक जाते हैं, वो नदी का रास्ता भूल जाते हैं। तभी ट्रैकर पहाड़ी पर जाकर रास्ता देखने की कोशिश करता है, वहीं कर्नल को बारूद मिल जाता है। उस रात कर्नल सारे बॉम्ब को बिछवा देता है और पानी में डीजल डलवा देता है। तब कोंग नदी से होते हुए आता है, तभी कर्नल नदी में आग लगा देता है। कोंग काफ़ी घायल हो जाता है जलने के कारण। बॉम्ब की आवाज़ सुनकर ट्रैकर तीन लोगों को बोट पर जाने को कह देता है और हैक ट्रैकर और मेसन कोंग को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी बड़ी छिपकली धमाके की वजह से ऊपर आ जाती है, वो घायल कोंग से लड़ने लगती है। छिपकली कर्नल को मार देती है, वो ट्रैकर और उसके साथियों के पीछे पड़ जाती है। वो सभी बोट की ओर भागने लगते हैं। कोंग फिर से छिपकली से लड़ने लगता है। जब छिपकली घायल कोंग को फिर से गिरा देती है तो वो फिर से उनके पीछे पड़ जाती है। मेसन एक पहाड़ी पर फिलर चलाती है जिससे बोट आ जाती है। बोट से छिपकली पर गोलियां चलाते हैं, तभी मेसन पानी में गिर जाती है। कोंग उसे पानी में से निकाल लेता है। छिपकली कोंग के हाथ को अपने मुंह में भर लेती है। कोंग के दूसरे हाथ में मेसन होती है, उस हाथ को भी छिपकली अपने मुंह में भर लेती है। तभी कोंग पूरी ताकत से छिपकली के मुंह में अपने हाथ निकालने की कोशिश करता है जिससे छिपकली मर जाती है। उसके बाद हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और वो सभी उस आइलैंड से निकल जाते हैं। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। आपको यह कहानी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।